मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो इसके बारे में, इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। 2 सेकेंड हो गया। इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास बच्चों, इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। ठीक है बच्चों, समझो ध्यान से। अब बच्चों आपने पीछे पढ़ा है इनर्शिया के बारे में, जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल से लेते हैं, जैसे एक कार है और एक ट्रक है, ठीक है, कार है और एक ट्रक है, तो किसको चलाना मुश्किल है अगर रुके हुए दोनों, किसको चलाना मुश्किल है? ट्रक को। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसको चलाना मुश्किल होता है, और अगर वो चल रहा हो तो उसको रोकना भी मुश्किल होता है। ट्रक आ रही है और कार आ रही है, तो ब्रेक किसका ज्यादा फोर्स लगाएगा? ट्रक का, वो ट्रक भारी है, तो यानी जिसका मास ज्यादा होता है उसको चलाना भी मुश्किल होता है और उसको रोकना भी मुश्किल होता है। पहले सिंपल टर्म में समझो, फिर रोटेशन में ले आएंगे इसको। तो उसी तरह से बच्चों इसको आई से डिनोट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको घुमाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशन। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको घुमाना मुश्किल होगा। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है कि जैसे वहां पे मास ज्यादा था तो चलाने में तकलीफ था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो घुमाने में तकलीफ। मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो आपको घुमाना आसान होगा, और अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो घुमाना आसान होगा, अगर बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो घुमाना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल समझो, पेन, पेन है एग्जाम्पल, इसको ऐसे आराम से घुमा लेते हो, ऐसे थोड़ा कॉर्नर पे ऐसे पकड़ो और घुमाओ, तकलीफ होता है? मतलब इतना फ्रीली तो नहीं घूम रहा है ना जितना बीच में घूम रहा था, बीच में आसानी से घूम रहा था, अब कॉर्नर पे पकड़ के मैं वैसे ही रोल करूं इसको, तो डिफिकल्टी है। इसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ा डिफिकल्टी तो है ना, मतलब उतना ईजी तो नहीं है ना जितना पहले ईजी था। इसका मतलब क्या था कि जब हम पेन को बीच से घुमा रहे थे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, और जब हम पेन को साइड से घुमा रहे थे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा आपको घुमाना मुश्किल होगा। जैसे सिलेंडर वाला जब गैस लेके आता है तो ऐसे लेके आता है, अगर मान लो उसको लुढ़काते हुए लाना तो ऐसे लाता है, ऐसे तो नहीं लाता, नहीं लाता ना ऐसे, ऐसे लाता है वो, ऐसे लाता है। ऐसे क्यों लाता है? क्योंकि इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। ऐसे करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो घुमाना आसान होता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो घुमाना डिफिकल्ट होता है। और उल्टी बात भी समझ लो, अगर वो घूम रहा है तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो रोकना मुश्किल होगा, और ऐसे हो तो कम होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है डिराइवेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, क्या करेंगे? डिराइवेशन। तो बच्चों इसमें सबसे पहले लिखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका डिराइवेशन काइनेटिक एनर्जी से ही होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कोई चीज चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, उसी तरह से अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं बच्चों? कोई चीज चल रही है तो भी काइनेटिक एनर्जी है, कोई चीज घूम रही है तो भी काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों कैसे निकाले? तो डिराइवेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा देख लो बस इसको। जैसे बच्चों मान लो ये कोई एक्सिस है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर फैक्टर्स देखेंगे कि फैक्टर्स देखो मैं भूल मत जाऊं, याद इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो बच्चों एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया जब एक्सिस मैंने यहां पे ली, एक्सिस का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल इसका सिंपल दिया था भगवान का सुदर्शन चक्र, तो फिंगर क्या हो गई थी? उंगली उनकी क्या थी? एक्सिस, और वो जो घूम रहा था वो चक्र। तो बच्चों अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहा हूं तो इसका रोटेशनल एक्सिस कौन सा माना जाएगा? ये जैसे ऐसा समझ लो यहाँ पे नेल डाला गया हो, फिक्स किया गया हो, और ये ऐसे घूम रहा हो, तो इसकी एक्सिस ये वाली बन जाएगी। तो इस एक्सिस को जब मैंने यहां कर दिया तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, मतलब घुमाने की तकलीफ बदल गई। वैसे रॉड का भी देख लो, चलो ये नीचे चले जाएंगे बाद में। देखो रॉड का, रॉड का देखो बच्चों, रॉड को बीच से घुमाना आसान है,
बीच से घुमाना आसान है, लेकिन इसी को फिर से वहीं किनारे से घुमाओ डिफिकल्ट है, किनारे से घुमाओ डिफिकल्ट है। वैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर रिंग है तो रिंग को ऐसे घुमाओ, मतलब ऐसे घुमाओ, रिंग है किसने पहना हुआ, रिंग हाथ में किसने पहना, राज पहना है क्या, उत्सव, राज से रिंग लेकर तुम निकालो रिंग अपना हाथ, रिंग दो हाथ का, कड़ा दो, ले सो रहा था। देखो बच्चों इधर इधर ध्यान से देखो, अगर रिंग है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो उतना अच्छा नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे घुमा घुमाया होगा आप लोगों ने, कॉइन का भी एग्जांपल ले लो, कॉइन भी घुमाया होगा, तो अगर ऐसे घुमाओगे तो अच्छे से घूमता है कि नहीं घूमता है, देखा होगा बढ़िया घूमता है। तो इसका मतलब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऐसे कुछ और है, इस तरह से घुमा रहा हूं तब कुछ और है, और ऐसे घुमा रहा हूं तो कुछ और है। तो बच्चों मोमेंट, अच्छा तो जब ऐसे घुमा रहा हूं बच्चों तो एक्सिस क्या है, जब ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस ये वाली एक्सिस है, और बेटा जब ऐसे घुमा रहा हूं तो इसकी एक्सिस ये वाली है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। जब मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा था, तो इसकी एक्सिस ये वाली, ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसे घुमा रहा था तो इसकी एक्सिस ये वाली, मतलब इसको मैं ऐसे घुमा रहा था इस एक्सिस को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते समय एक्सिस का बहुत बड़ा रोल है, एक्सिस चेंज करते ही मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, एक्सिस का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चों अभी मैंने एक एक्सिस लिया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसा पॉसिबल है कुछ टाइड वाइड हो और ऐसे चारों तरफ घूम रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बंधा हो और इस रॉड हो उसके चारों तरफ घूम रहा हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, और मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड क्या है घूमने की, ओमेगा, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं रस्सी बांध दूँ और इसको ऐसे ऐसे घुमाऊँ, ये रिंग इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है ना, तो इसका एंगुलर यहाँ पे स्पीड है ओमेगा, क्योंकि तो बेटा हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, हर पार्टिकल जो भी घूम रहा है उसका ओमेगा सेम होगा, ओमेगा का मतलब एंगल जो वो सबटेंड कर रहा है। जैसे मैं इस पेन को ऐसे पढ़ के ऐसे घुमाऊं तो बेटा हर पार्टिकल का इसमें ओमेगा सेम होगा, लेकिन हर पार्टिकल का वी अलग अलग होगा, पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है तो पार्टिकल में पंखा इस तरह से घूम रहा है बच्चों, ये ब्लेड, तो ब्लेड का कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे तो वो सेम ओमेगा से घूम रहा होगा, लेकिन उसकी स्पीड अलग होगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। तो आर अगर बढ़ेगा बेटा तो वी बढ़ जाएगा, जैसे अभी मैंने पंखे का एग्जाम्पल, ऐसे होता है भाई लोग होते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं पंखे को, छू लेते हैं मतलब बीच वाला हिस्सा उसका पकड़ लेते हैं, लेकिन साइड में तो नहीं पकड़ते ना कभी, ऐसा तो नहीं होता ना कि ब्लेड ऐसे साइड में उसको टच कर लिया, हाँ लेकिन ऐसे हीरोगिरी दिखाने के लिए बीच में पकड़ लेते हैं फिर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों बीच में ओमेगा तो हर जगह सेम है, मतलब जो एंगल ये वाला पार्टिकल सेंटर पे बना रहा है, ओमेगा का मतलब समझ रहे हो, जो एंगल बना रहा है पर सेकंड, ये वाला पार्टिकल भी उतना ही एंगल बनाएगा जितना ये वाला पार्टिकल बनाएगा, जितना ये वाला पार्टिकल बनेगा, तो ओमेगा तो तीनों केस में सेम है अगर मैं ये तीन केस की बात करूं, लेकिन बच्चों इस केस का आर कम है, आर मतलब सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, इस केस में आर थोड़ा ज्यादा है, इस केस में आर सबसे ज्यादा है, तो लास्ट वाले केस में पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और बीच वाले केस में पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे, इसीलिए तो पंखे का लास्ट वाला पॉइंट कोई छूना पसंद नहीं करेगा, हाँ बीच वाला पॉइंट क्यों छूलेगा, यहाँ पे क्यों छूलेगा, क्योंकि उसको पता है आर कम है, ओमेगा सेम रहते हुए भी उसकी वेलोसिटी क्या है कम, और पंखे का बीच वाला पॉइंट ऑलमोस्ट रेस्ट में होता है क्योंकि आर क्या है उसका, जीरो, आर उसका क्या है जीरो है, तो बीच वाला पॉइंट ऑलमोस्ट किसमें रहता है, रेस्ट में रहता है, वो बाद में वो आएगा, वो आएगा। देखो इधर ध्यान से, तो बच्चों एक बात आपको क्लियर हो रहा है ना कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का कोई भी मास लेता हूं, मान लो ये मास लिया मैंने M1, ये मैंने मास लिया M1, इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से R1 है, तो बेटा इस M1 का ओमेगा सेम होगा, इतना तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं ना, M1 का ओमेगा सेम होगा, हाँ अब आगे देखते हैं एक और पॉइंट लेके, M2, बेटा इसका ये वाला डिस्टेंस R2 है, तो इसका भी ओमेगा वही होगा जो M1 का, पक्का ना बच्चों, क्योंकि तो सेम ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, तो इसी तरह कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने R3 ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट M3 ले लिया जो कि इस एक्सिस से R3 डिस्टेंस पे है, तो उसका भी देखो ओमेगा सेम होगा,
अब मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल का मुझे लिखना है, फिर उसको ऐड करना है। तो चलो लिखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अगर आर और ओमेगा दे रखा तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, आर आर ओमेगा अभी लिखा था मैंने। तो जो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं टोटल, तो पहले पार्टिकल का कितना होगा, हाफ इंटू M1 इंटू V1 स्क्वायर। तो बेटा V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 इंटू ओमेगा। तो बेटा यहां हो जाएगा R1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये। फिर बच्चों सिमिलरली अगर मैं निकालूं दूसरा वाले पार्टिकल का तो कितना होगा, हाफ इंटू M2 इंटू R2 ओमेगा का होल स्क्वायर। सिमिलरली बढ़ते चले जाओ बच्चों, प्लस हाफ इंटू MN इंटू RN इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये मान लो N मॉलिक्यूल से बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते क्योंकि तो सबका ओमेगा सेम होगा। अब बेटा देखो हम कुछ काम करेंगे, हम तुलना करना चाहते हैं इस फॉर्मूले से जो हमने पीछे काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा है, हाफ इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर से। तो देखो बच्चों यहां काम करेंगे हम, हाफ को बाहर ले लेंगे और यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ प्लस MN इंटू RN स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखना जरा सही लिखा है क्या मैंने, हाफ कॉमन लिया इधर और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों एक एक साइड भी ले सकते थे लेकिन जानबूझ के क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है इस वजह से ऐसे लिखा। यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों और यहां से हाफ कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला बना, ठीक है ना। बेटा ये स्क्वायर होगा तो R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर उधर सबसे कॉमन ले लिया और हाफ इधर कॉमन ले लिया, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। अरे इसी किसने बोल दिया, ठीक है बच्चों चलो। देखो तो ध्यान से बच्चों कंपेयर करो इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से, कंपेयर करो। तो बेटा ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या होता था, लिख लो चल लिख लो, लिख जल्दी लिखो जल्दी जल्दी लिखो। लिखने से ज्यादा समझना है, आप यू नहीं सेल्फ स्टडी सेशन अभी तो नहीं शुरू हुआ ना। हो गया, इधर ध्यान दो बेटा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इधर। तो बच्चों देखो यहां भी हाफ है, तो बच्चों लीनियर वेलोसिटी जब होती थी, जब लीनियर काइनेटिक, जैसे दो चीज होता है, एक रोटेशन एक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब बेटा चलना, रोटेशन मतलब घूमना। ट्रांसलेशन जैसे अभी तक आप पीछे जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें ऑब्जेक्ट घूम तो नहीं रहा था ना, चल रहा था ना उसको लीनियर। तो बच्चों लीनियर के केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी आता था हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हमने देखा कि रोटेशनल के केस में, अगर रोटेशनल के केस में बात करें तो हाफ तो यहां भी आ रहा है। फिर हमने देखा कि भाई वी के जगह रोटेशन में कौन ले लेता है, ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा है। तो क्या ये जो बीच में है इसको मैं रोटेशनल मास कह सकता हूं, क्या ये जो बीच में है, रख दो यहाँ पे, क्या ये जो बीच में है इसको मैं रोटेशनल मास कह सकता हूं। बच्चों ये बीच, इधर ध्यान दो फोकस, ये बीच में रोटेशनल मास कह सकता हूं ना, तो यही क्या होता है बेटा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहां से आई की वैल्यू क्या निकली, हाँ बताना जरा, आई की वैल्यू निकली यहां पे केवल M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ प्लस MN। तुम क्या बता रहे थे, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अभी ऊपर लिखवाया था मैंने, हाँ इंपल्स जे होता है। हाँ ये आई कैसे आया, अभी मैंने बताया तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया,
मैंने बोला ये ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना हाफ एम बी, हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ जब ट्रांसलेशन है तो यहाँ हाफ आ रहा है, तो बेटा वी की जगह यहाँ ओमेगा आ रहा है, तो यहाँ एम आता था ना, तो ये यहाँ भी कुछ आ रहा है, तो इसको हम रोटेशनल मास कह दें। तो रोटेशनल मास क्या होता है, इनर्शिया ही तो होता है, इनर्शिया को ही तो हम लोग रोटेशनल मास कहते हैं, तो हमने रोटेशनल मास का फॉर्मूला बना लिया यहाँ से, समझ में आ रहा है ना, रोटेशनल मास का फॉर्मूला बना लिया। चले आगे बच्चों, चलो लिखो, ये डेरिवेशन है बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन है। आगे बढ़ो, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात नहीं भी हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर होगा मास, वो तो होगा ही, क्योंकि एक बार अगर रिंग है, एक बार भारी रिंग है और एक बार हल्की रिंग है, तो भारी रिंग को घुमाने में मुश्किल होगा, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, मास। दूसरा फैक्टर बात करते, दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही बात है ना, अभी बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा एक और पॉइंट होता है बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ मास, ओरिएंटेशन ऑफ मास, ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस। तीसरा वाला पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने समझा दिया था ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने समझा दिया था बच्चों कि अगर ऐसे करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, और ऐसे करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसा करूं रॉड के केस में भी मैंने आपको बताया बच्चों, अगर मैं एक्सिस बीच में ना रख के साइड में रखूं, जैसे इस रिंग को ऐसे भी तो घुमा सकता हूं ना, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा टेबल पे ऐसे ऐसे करके, मतलब कैसे बताऊं मैं, ऐसे जैसे घुमाते हो तुम लोग, देखते हो, अरे टेबल पे भी ऐसे घुमा सकता हूँ नहीं मैं ऐसे करके, या ऐसे, तो बच्चों देखो अभी भी, हाँ देखो अभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले बीच में था, जब मैं ऐसे घुमा रहा था तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में था, और जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी ऊपर ही है, अभी भी ऊपर ही है, लेकिन साइड में है, साइड में है ना, तो पहले और दूसरे केस में क्या अंतर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों केस में ऊपर है, लेकिन पहले केस में मास चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरे केस में मास एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने पर तो होगा भी, लेकिन बच्चों अगर एक्सिस ऐसे ऊपर ही रखी जाए और एक बार बीच में रखी जाए और एक बार साइड में रखी जाए, बीच में रखने से चारों तरफ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और साइड में रखने पर एक तरफ मास ज्यादा आ रहा है, तो दोनों ही केस में आपको एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए तीसरा पॉइंट भी लिखवाया बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ मास अबाउट, ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा कैसे एक्सिस के अबाउट मास फैला हुआ है, ठीक है ना, मतलब ओरिएंटेशन मतलब एक्सिस बीच में था वही समझा रहा था ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको ही कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों बात ठीक है। आगे चले बच्चों, देखो अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट, लिख लिया ना ये बच्चों, अगर सिंगल पार्टिकल हो तो उसका एक्सिस ऑफ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दो, तो बच्चों एक एक्सिस होगा, ये मास एम है और ये डिस्टेंस आर है, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ कोई, अरे उसी लॉजिक से डायरेक्ट, अब याद रखो एम इंटू आर का, एम इंटू आर का स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला क्या बना था, अगर कई सारे पार्टिकल होते थे तो आप क्या करते थे, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, तो एक ही, तो कोई बात नहीं एम, वैसे बेटा हर बार उतना डिराइव थोड़ी करना है, आपको सिंपल याद रखना है मास लेना है, मास लेना है बच्चों, और उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो लेना है, तो मास के बाद जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा,
मास लो और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बच्चों यूनिट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यूनिट बताओ यूनिट। मास की क्या होती है, केजी, केजी मीटर। लिखो और आरएन लिखो, यहां से लिखो, थोड़ा समझाया बस, चिंता मत करो मैं हैंडल कर लूंगा। पेज देख लो ध्यान से देखो, आगे चले बच्चों, आओ क्वेश्चन करते हम लोग। बच्चे यहां मास एम है, ये स्क्वायर है, उस पे चार मास रखे हुए, इस स्क्वायर पे चार मास रखे हुए बेटा, और इस स्क्वायर का जो साइड है वो ए है। बच्चे स्क्वायर है तो हर साइड ए होगा, स्क्वायर है हर साइड ए होगा, तो इसके इस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, पासिंग थ्रू द सेंटर। हाँ पहले बना लो, बना लो, आई विल रिपीट, ड्राइंग बना लो, हाँ आई निकाल लिखो, मैं बोल रहा हूँ कुछ। देखो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट, लिख लो लिख लो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। अरे लैंग्वेज भी समझना जरूरी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। बच्चों देखो इधर सुनो ध्यान से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, इधर 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 इधर, अंशिका इधर, यू इधर। बेटा अगर मैंने केवल ये बोल दिया होता कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो देखो तीन एक्सिस पॉसिबल होता, एक ऐसे ऐसे, ये भी तो सेंटर से ही पास कर रहा था, और एक ऐसे और एक ऐसे। इसीलिए मैंने बताया कि वो वाली एक्सिस लेनी है जो सेंटर से तो पास करे लेकिन इसके परपेंडिकुलर भी हो, यानी ऐसे वाली एक्सिस लेनी। अब क्या करोगे, मैंने क्या तरीका बताया था, चार मास है किसे आपका क्या, बताओ बताओ। फोर ए स्क्वायर। देखो बच्चो मैंने अभी क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली निकालो ऐड करो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले वाले मास को लो, उसका इस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इतना होगा, इसके बराबर होगा, पक्का है ना बेटा, ये एक्सिस है और ये इसके अबाउट घूमने, तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एक्सिस से परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस होगा, तो बेटा डायगोनल कितना होता है, डायगोनल अगर एक स्क्वायर दे रखा है तो उसका डायगोनल कितना होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो डायगोनल होता है बेटा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का रूट, ये भी ए है ये भी ए है, कितना का रूट टू ए आ जाएगा, तो रूट टू ए कहां से कहां तक का लेंथ है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन मुझे कौन सा लेंथ चाहिए, हाफ चाहिए, तो बच्चों ये आर परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा, रूट टू ए बाई टू। बच्चों जब रूट टू ए बाई टू करोगे तो ए बाई रूट टू आ जाएगा, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। किसको नहीं समझ में, रुद्र आ गया ना बेटा, आ गया नहीं आया, देख लो बता दो बेटा, कुछ नहीं किया है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इस पॉइंट का, तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस रूट टू ए होता है, पाइथागोरस लगा के निकाल लिया उसका हाफ कर दिया तो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना। और ऐसे कितने मास है, ऐसे कितने मास है, तो बेटा चारों के लिए तो वही आएगा, इसके लिए भी आएगा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला मास, इसके लिए भी ये वाला वही आएगा और इसके लिए भी वही आएगा,
आएगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा इंटू फोर, तो इसका आंसर कितना है एम इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू फोर, यानी आंसर आएगा 2ma² लिख लो। बच्चों एक और क्वेश्चन करो, इसी क्वेश्चन में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं बेटा, लिख लिया कर लिया इसको। इस क्वेश्चन में अब की बार एक्सिस ऐसे कर लो, I1 I1 निकालो अब की बार, मैंने एक्सिस बिल्कुल इस तरह से पास कर दिया। बस बाई फोर, नहीं बेटा करना क्या है, किसी एक का देख लो, मास देखना है बच्चे, एक्सिस ये है मास देखना है, और ये वाला मास यहां पे है, तो इसका इस वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला है ना बेटा एक्सिस, तो यहां से लेके यहां तक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए बाई टू, उसी तरह से इसका भी देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए बाई टू, इसका भी कितना है ए बाई टू, और इसका भी कितना है ए बाई टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वन कितना आएगा, आई वन आएगा एम इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर इंटू फोर, ठीक है। बस इसका आंसर कितना आएगा कैंसिल कर दो, इसका आंसर आएगा एम ए स्क्वायर। बताओ बेटा बताओ, जिसको डिफिकल्टी हो रहा है बताओ, ठीक है घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत। ए तुम लोग बात करो बस, क्वेश्चन नहीं हो रहा था तुम्हें, अब यहां बिठाऊंगा मैं आगे आगे बात कर, सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे आगे चले बच्चों। एक और क्वेश्चन इसी में ऐसे बना लेते, I3 बताओ इसका 5 mm स्क्वायर, सही बात एम ए स्क्वायर, चलो बयान कह रहे हैं तुम तो। क्यों बताओ क्यों, चलो बताओ क्यों क्यों, आंसर इसका हाँ उससे क्या हुआ, हाँ बेटा जिससे एक्सिस पास कर गया उसका मोमेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर क्या हो गया जीरो, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला यही तो निकला एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो जब एक्सिस इसी से पास कर गई तो इन दोनों मास का भाई इधर रहते तो परपेंडिकुलर निकालते या नीचे ऊपर रहते तो परपेंडिकुलर निकालते, जब एक्सिस उसी से पास कर गई तो उनका परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, तो दो तो खत्म हो गए बच गए दो, तो बेटा ये वाले का इस वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, और ये हमने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है ना, तो इसका I3 देखो एक्सिस बदल रहा हूं तो नाम भी बदल रहा हूं मोमेंट ऑफ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा I3, I3 निकाला कितना होगा बेटा, तो एम इंटू ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, बेटा इसका डिस्टेंस ए बाई रूट टू है तो इसका भी डिस्टेंस ए बाई रूट टू है, तो डबल कर दो इसी का, हाँ बताओ आंसर। बच्चों क्लैरिटी होना चाहिए, सेकंड वाले में I1
आयन में हाँ बताओ क्या क्लैरिटी चाहिए। सुनो 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 सुनो, सुनो। ठीक है सुनो सुनो, इधर ध्यान। सेकेंड वाले का क्लैरिटी चाहिए, सेकेंड वाले का क्लैरिटी चाहिए ना क्या? हाँ बताओ आंसर। मास इनटू परपेंडिकुलर, मास तो क्लियर ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो तो बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा मत समझो किसी पॉइंट से निकालते, तो बेटा एक्सिस ये वाली थी ना, ये वाली एक्सिस थी, तो बेटा इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, ये कितना होगा ए बाई टू, और यहां परपेंडिकुलर कितना होगा ए बाई आई थ्री का। देखो आई थ्री ऐसे जा रहा था, तो इन दोनों मास का आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जीरो। इसका आर इस वाले एक्सिस से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यही वाला तो होगा। तो बेटा ये डिस्टेंस तो हमने पहले ही निकाला है ए बाई रूट टू, रूट टू ए बाई टू करके, तो बेटा इसका भी होगा एम इन टू ए बाई रूट टू का स्क्वायर, तो बेटा जितना इसका होगा उतना इसका भी तो होगा, यहां से भी परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करो, तो ये भी तो ए बाई रूट टू ही होगा, एम इंटू ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक और हो जाए इसी पे, इसी पे चलो एक और ले लेते हैं। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सेल्फ स्टडी सेशन तो नहीं चल रहा है? देखो चुप, कलर चेंज कर लेते हैं, मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है। सुने इधर ध्यान से, इसको I4 नाम दे लेता हूं। ये क्या है सिचुएशन, एक्सिस ऐसे जा रही है अपनी बाहर की तरफ, जैसे यहां पे ऐसे ऊपर जा रही थी, यहां पे ऐसे बाहर जा रही। अब निकालो, अब की बार एक्सिस, अरे फील करो पूरा, ये ऐसे जा रहा नहीं यहां से यहां तक, ऐसे बाहर निकल जाए। देखो ये आई, मैं एक बार समझ लो फिर से, ये आई वाली एक्सिस ऐसे थी, ऐसे मतलब मैं बुक को ऐसे घुमा रहा था, इस पॉइंट से ऐसे मतलब हिंज कर दो इसको, मतलब यहां पे किल लगा दो, तो बुक ऐसे घूमेगी ना, तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो आई का निकला। एक बार सब लोग देखो देखो देखो, मोमेंट तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकला, आई का निकला। अब आई वन का मतलब क्या है बेटा, आई वन का मतलब है मैं बुक को ऐसे घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा था, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला निकला, इस वाले एक्सिस के अबाउट निकला। फिर उसके बाद कौन सा एक्सिस था, ये वाला था ना, क्या नाम था इसका, इसका नाम था आई थ्री रख, अच्छा ये वाला था आई थ्री रखा था, आई थ्री का मतलब मैं बुक को ऐसे घुमा रहा था, तब ये वाली एक्सिस। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना मतलब का नहीं निकालते, वो घुमाते हैं उस सेंस में, ऐसे घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ये वाला निकाला। अब मैं कैसे घुमा रहा हूं, अब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला, आपके एक्सिस कैसी है ऐसे, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। तो देखो तुम्हें क्या करना है, इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा ए, इसका ए होगा, इस वाले का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही, तो इसका ए हो गया, इसका भी ए हो गया, अब इसके लिए डायगोनल निकाल लो रूट टू ए बेटा, ये वाला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, करो ठीक है ना, I4 ma² प्लस ma² प्लस एम इंटू रूट टू ए स्क्वायर, 4 ma² समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉम्प्लिकेट करें, अरे ठीक है ना, यहां तक बच्चों करना ही क्या है, विजुलाइज करना है आर परपेंडिकुलर, अरे क्लियर है ना, इसमें बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, आर्यन चलो कोई बात नहीं, एक आखिरी फिर हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे।
देखो इधर ध्यान से, ये ठीक है, हर कॉर्नर पे मास रख, रख दिया। क्यूबॉइड बनाने आता है सबको, जिसको नहीं बनाने आता है पता है ना क्या करना है, ऐसे एक स्क्वायर बनाओ और फिर ऐसे एक स्क्वायर बनाओ, मिला दो ऐसे, ठीक है। चलो चलो चलो, आओ बच्चों पीएचडी करते हैं इसमें, हम लोग शुरू करा जाए। क्यूबॉइड है क्या अपने पास? सब जगह रख दो। अच्छा ये पीछे वाले मास को, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग पहले एक्सिस बताऊंगा तब तो निकालोगे, एक्सिस बताऊंगा तब तो ना शुरू करते हम लोग, ये वाली एक्सिस I1। ये मेरे को पता है तो जीरो है। आगे बताओ, साइड ए ले लो बच्चों, क्यूब क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए, चलो विजुलाइज करो, मैं बॉक्स, हाँ ये बेटर समझाने के लिए। चलो 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 चलो, ये क्या हो गया? ठीक हाँ, 8 mm आ रहा है, 4 4 mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपका नहीं बेटा, देखो इधर 8 mm पर आ गया। देखो तो ध्यान से, देखो देखो बेटा, इस वाले एक्सिस से इस वाले मास की दूरी कितनी होगी? बट ए होगा ना, मैं दूरी पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस, ये ए होगा ना, और ये भी कितना होगा? ए होगा, ये नीचे कितना होगा? ये भी ए होगा, पक्का रुद्र, ये भी ए होगा, तो ये भी कितना होगा? ए होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, मैं अपने तो नहीं सीख रहा खुद। बेटा इस वाले की दूरी कितनी होगी, यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? तो देखो इधर रूम में विजुअलाइज कर लो, ये ऊपर वाले के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये चारों मास, ये आठों मास के कॉर्नर्स पे रखे हुए, तो इनका डिस्टेंस, ये वाले का डिस्टेंस ये आया, ये वाले का डिस्टेंस ये ए आया, और जो ऊपर रखे हुए थे दो उनका डिस्टेंस ए आया। एक्सिस ऐसे जा रही है बच्चों, वहां जो दो नीचे रखे हैं उनका डिस्टेंस कैसे होगा? यहां से ऐसे निकलेगा, ये डायगोनल निकलेगा ना, तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखो इधर, ये ए और ये 90 डिग्री, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जो नीचे जा रहा है? √2a। इस वाले वॉल पे विजुअलाइज करें, इस एक्सिस से डिस्टेंस ये, इस वाले एक्सिस से, तो ये वाले डिस्टेंस ए है, ये वाले डिस्टेंस ए है, उस वाले मास का यहां से डिस्टेंस कितना होगा? डायगोनल बना लो, ए प्लस ए, तो ये दोनों का जो नीचे पड़े हुए हैं दो,
उनका कितना होगा रूट टू ए, और ऊपर जो दो पड़े थे उनका जीरो, इस वाले का डिस्टेंस ए, इस वाले का भी डिस्टेंस ए, ऊपर वाले का भी डिस्टेंस ए, इसका भी डिस्टेंस है, नीचे जो पड़े हैं उनका रूट टू है। तो बच्चों चार ए वाले हुए ना, तो 4 into ma² 4 तो a² का हो गया, प्लस 2 कितने हैं 2 into m into √2a² हो गया ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 ma² लिख लो, समझ में आ गया ना। आगे चले एक और, एक और इसी में गंदा हो रहा है। अच्छा चलो, एक एक्सिस को सेंटर से पास कर दे, आसान कर लेते, ये ऊपर से नीचे एक्सिस जा रही है, हाँ यहां से दिखाओ, एकदम सेंटर से पास करते हुए चली जा रही है, यहां पे सेंटर है इसका, ये I2 कर, विजुलाइज विजुलाइज करो, ये आठ 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 कॉर्नर पे 8 मास हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, तो इस वाले एक्सिस से उसका भी सबका सेम होगा, ये बहुत आसान है, इसलिए बोला ना आसान वाला कर रहे हैं। बेटा किसी एक का निकाल लो, तो उसका कितना होगा, अभी आप लोग निकाल लेते हैं, ये टोटल डिस्टेंस √2a था यहां से लेके वहां तक, ऊपर ऊपर डायगनल देखो, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, चलो देखते हैं बेटा, इस वाले कॉर्नर से उस वाले कॉर्नर का डिस्टेंस कितना था √2a, तो बेटा सेंटर से उस वाले कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा √2a/2 यानी a/√2, तो बेटा सेंटर से हर कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा a/√2। अब बोलोगे सर ऊपर से तो ठीक है नीचे, बेटा एक्सिस ऊपर से नीचे होती है ना, तो नीचे लोगे तो एक्सिस यहां वाली लेना, फिर ऊपर लेना, तो हाँ चलिए अब मैं लिख रहा हूं, जिसका जो आ रहा है 8 into m into a/√2 का होल स्क्वायर, द आंसर इज 4 ma². बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत, होमवर्क, एक और एक्सेस होमवर्क, टाइम अभी नहीं हुआ है, होमवर्क कैसे करना, हाँ हाँ वही वही वही, बॉडी डायगोनल मतलब यहां से लेके वहां जा रहा है, होमवर्क रहेगा आराम से आराम से आराम से, वो तो मुझे भी पता है, तुम और कुछ बताओ, होमवर्क रहेगा बॉडी डायगोनल, अरे इसमें कैसे, अरे इसको 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब यहां से लेके उस कॉर्नर पे जा रहा है, बॉडी डायगोनल एक रखा हुआ है ऐसा, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, बॉडी डायगोनल I4 होमवर्क, चॉकलेट क्वेश्चन कर दूं क्या इसको, चॉकलेट क्वेश्चन, चलो टाइमर, लेकिन मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा, मैं चेक करूंगा बस, ठीक है ना, मुझे ये सब नहीं पता है, समझ पा रहा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, चॉकलेट क्वेश्चन, टाइमर लगाऊं क्या, चलो ठीक है, ओहो टाइमर लगाने नहीं दे रहे ये तो तुम्हारे भाई लोग, आपका तुक्काबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं।
मेरे को बोलो मत, मैं आ रहा हूँ अभी आंसर। अरे मेरे को कैलकुलेट तो कर लेने दो, मैं अपनी एक्सेस देख रहा हूँ अभी। वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता नहीं आप लोग निकाल पाएंगे या नहीं। छोड़ दो छोड़ दो, तुम लोग से नहीं होगा लगा। अगर 5 मिनट के अंदर बता दोगे तो चॉकलेट, अदरवाइज होमवर्क तो रहेगा ही, रिसर्च करके आना। ठीक ठीक ये डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसीलिए तो चॉकलेट क्वेश्चन भी है। ये तुम लोग दोनों मिलके क्यों सॉल्व करो सीधे सीधे? अच्छा कर लो कर लो, मिलके भी कर लो। सर इसी में रहने दे। नहीं, इसी में रहने, इसी में रहने दे। आज 6:30 बजे आएगी, उसी में कर दीजिए। अरे नहीं, 6:30, 6:30। हाँ उन सब का एग्जाम चल रहा है सर, हर्ष का है आज। मुझे नहीं पता है, रियान कुछ हो रहा है? हे भगवान, क्या कर दिया मैंने। तुक्का तुक्का उक्का नहीं चलता इधर। आर्यन हो गया, बस मुझे दिखा दो, बस एक चीज, बस एक चीज देखूंगा मैं बस। अरे मुझे बताओ, मुझे मुझे परपेंडिकुलर बताओ, फटाफट परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर क्या क्या है बताओ? यहाँ से आता तो जाएगा, तो ये जो तुम एक्सिस कौन सी है? ये बॉडी ये डायगोनल है। डायगनल है, हाँ तो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर जाएगा। अब ये तो निकल गया। ये पता चल जाएगा, ये जाएगा, हाँ ये इस डायगनल का हाफ होगा, तो इसका डायगनल होता है हाँ ठीक है ठीक है, वो ए, मुझे पता चल गया। ठीक, इसका आगे जो आगे से इसका आगे टी, आगे। ये यहाँ ए तो क्या होगा, सबका 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 परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पे होगा? इसका ये होगा, तो इसका ये नहीं होगा, इसका ये नहीं, इसको क्या इन दोनों का तो ठीक है, इसका तो आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी, लेकिन इन दोनों का क्या? ये इसका और इसका। हाँ, हाँ 30 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड्स था। ठीक है 30 सेकेंड्स ले, मुझे नहीं लग रहा है कोई आंसर ला पाएगा। चलो होमवर्क, तुक्का नहीं चलेगा, लॉजिक है तो बताओ, देख लूंगा, अगर लॉजिक नहीं होगा तो नहीं देख। हाँ लॉजिक बताओ। मुझे बस आर परपेंडिकुलर बता दो, कैलकुलेशन तो मैं देख लूंगा। हाँ देखो
देख लिया मैंने, देख लिया, देख लिया मैंने, देख लिया, देख लिया मैंने, मैंने देख लिया बेटा, शुरू में ही गलत है। सही होता तो मैं मान लेता, शुरू में ही गलत है तो एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों, होम होमवर्क रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करके आना। बोले बात की बात है, देखेंगे। तुमने उसका क्या किया, उन दोनों मास का क्या किया तुम? आइए बच्चों, चलिए आगे चलते हम लोग। चलो हेडिंग है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा इस क्लास। देखो दिमाग लगाना खूब, कैसे होगा, इम्पॉसिबल। रुकना, मैं कुछ बता दूंगा तुम्हें, गुरु मंत्र बता दूंगा, थोड़ी देर रुकना बस, शॉर्टकट अगर कुछ आए तो। ठीक है ना बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, जैसे अभी तक हम जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे वो पार्टिकल पार्टिकल टाइप के थे ना बच्चों, तो ऐसे जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रॉड का इनर्शिया निकाल, तो रॉड में पार्टिकल क्या है, पार्टिकल तो हर जगह इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका कैसे निकलेगा फिर, तो इसी को निकालने को देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रॉड से, इंटीग्रेशन आता होगा सबको बच्चों, तो सबसे पहला लिखो रॉड, रॉड का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल बच्चों। देखो इसका मास एम है और लेंथ एल है, ठीक है ना, इस रॉड का मास एम और लेंथ एल है, इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमा रहा हूं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो बताया था ना आपको लास्ट में ऐसे घुमा रहा है उसके अबाउट। तो बच्चों मैंने देखा कि मेरे पास कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो है नहीं, अब क्या करें, तो बच्चों हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का सहारा लिया, कि मेरे पास पार्टिकल का फॉर्मूला है लेकिन मेरे पास टोटल फॉर्मूला नहीं है, तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले, एलिमेंट मतलब इस रॉड का एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका लेंथ क्या था, डीएक्स था, ठीक है ना, जिसका लेंथ क्या था बच्चों, डीएक्स। तो बेटा इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूँ, तो जो डीएक्स लेंथ होगा तो इसका मास भी कुछ डीएम होगा, डीएम मतलब छोटा सा, डिफरेंशियल एलिमेंट कहते हैं, जब आप कोई छोटा सा डिस्टेंस या मास लेते हो उसको डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इसका मास मान लो डीएम है, इस डीएक्स का मास कितना है, डीएम, तो बच्चों इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से कितना होगा बच्चों, अगर मैं छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई लिखूं, क्या लिखूं, डीआई छोटा सा, डी लगा मतलब बहुत छोटा सा, तो बच्चों इस वाले मास का, अब इसको एकदम सेपरेट पिक्चर की तरह समझ सकते हो, कि एक मास है डीएम का, एक मास है डीएम का जो कि एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऐसे मान सकते हो कि नहीं, इसको अभी एक टुकड़े को देख रहा हूं बस, मान सकते हो बेटा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक्स स्क्वायर या डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, बेटा मास इंटू करते थे ना, मास इंटू एम आर स्क्वायर करते थे ना, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, डीएम इंटू ये डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा, इंटीग्रेशन क्या करता है, अच्छा इंटीग्रेशन मैंने पहले ही लगा दिया, डरा नहीं, हटा दो इसको, ये डीएम इंटू इस छोटे से मास का जो टुकड़ा मैंने लिया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू एक्स स्क्वायर होगा, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अलग कर लिया मतलब इसके करोड़ों टुकड़े किए या अरबों टुकड़े किए, उसमें एक टुकड़ा उठाया जो कि एक्स डिस्टेंस पे था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, तो उसको मैं पॉइंट मास की तरह मान सकता हूँ, पार्टिकल की तरह मान सकता हूँ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसका मास है डीएम, जैसे बच्चों 100 टुकड़े में काटता तो मास कितना होता है, एम बाई 100, तो डीएम, और उसका डिस्टेंस कितना है एक्स, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम एक्स स्क्वायर।
बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया, और यहां एक्स आया है तो इसको आई एक्स लिख दे रहा हूं। समझ में आएंगे नहीं आया? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलोंग निकला जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग निकला जा रहा है, ये मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आई वाई क्या होगा? आई वाई होगा डीएम इंटू वाई स्क्वायर। आई जेड क्या होगा? डीएम इंटू जेड स्क्वायर। अब वो जब वाई में होगा तो वाई की तरफ भी निकालेंगे, और जेड में होगा तो जेड की तरफ भी निकालेंगे। तो यहीं पे पहले ये ड्राइंग बना के फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहां से, और ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे। बच्चों मैं डी आई अब बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। सिमिलरली आई जेड कितना होगा बेटा? आई जेड का इंटीग्रेशन डीएम इंटू जेड स्क्वायर, नोट करिए। लेकिन लॉजिक इसके पीछे क्या है? हमने जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को एक्सटेंड किया है, बस इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जो मेरा मदद करेगा। ऐसे ऐसे डीएम को जोड़ने में मेरी मदद कौन करेगा? इंटीग्रेशन। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो एग्जाम चले तभी क्लास मत मिस किया करो, ये मेरा रहता है बच्चों। जैसे अभी देखो हर्ष हो गया, हृदयांश हो गया, करण हो गया, एग्जाम के चक्कर में क्लास मिस कर रहा है, ये गलत है। तुम मत पढ़ो घर पे जाने के बाद, लेकिन बस क्लास करने आ जाओ, रिवाइज बाद में कर लेना। लेकिन अब जैसे ये सब चीजें मिस करते हैं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है आगे चले, आगे चलो बच्चों। अब देखो बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास आया कि मुझे आई एक्स चाहिए, यानी इस वाले एक्सिस के अबाउट आई चाहिए, यानी एक्स की तरफ है तो आई एक्स बोल रहा हूँ। इसका फॉर्मूला हुआ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर इंटीग्रेशन तभी होता है जब यहाँ एफ एक्स हो तो यहाँ डी एक्स हो, अगर यहाँ वाई हो जाए और यहाँ एक्स हो जाए तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ देखो डीएम है, एम है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन नहीं होगा। या तो एक्स स्क्वायर को एम करना पड़ेगा या एम को एक्स करना पड़ेगा। तो बच्चों आओ देखते हैं हम लोग फिर क्या करते हैं। देखो क्या करते हैं बच्चों, अब मैंने क्या किया है कि इस डीएम की वैल्यू को निकालते हैं बच्चों। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड आता है सबको। तो बच्चों एल लेंथ का मास कितना है? एम। एल लेंथ का मास कितना है? एम। तो वन लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई एल। बच्चों इसी को लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। और इसे इसका एक और नाम क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। जिन्होंने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता बेटा ये लिख लेंगे ना अभी, नहीं आराम से पहले देख लो, इंटीग्रेशन पूरा हो जाए तब लिखना। इसको क्या बोलते हैं? पहले आप देख लो, समझ लो, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या बताता है बेटा कि यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? क्या बताता है? यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? तो बेटा अगर यूनिट लेंथ का मास इतना है तो बेटा हमने जो एलिमेंट लिया था उसका लेंथ कितना था? डीएक्स। बेटा इसका लेंथ कितना था? डीएक्स था ना। तो बेटा यूनिट लेंथ का अगर मास इतना है तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दे पक्का बेटा। तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा? तो इसका मास होगा लैम्डा इंटू डीएक्स कर लो, या इसी को मैं लिख रहा हूं एम बाई एल इंटू, ये डीएम की वैल्यू हो गई। अब बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करो, अब नोट कर लो पहले यहां पे कर लो बच्चों। अब आगे तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा लीनियर मास डेंसिटी एम बाई एल है, तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख, हो गया बेटा लिख लिया, इसको लिख लिया एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब देखो देखो इधर ध्यान से, अब बेटा ऊपर मैं पुट कर रहा हूं, ऊपर पुट कर रहा हूं तो आई एक्स बराबर कितना होगा? तो बेटा डीएम की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ लैम्डा भी रख सकते हो, लैम्डा भी रख सकते हो, बाद में लैम्डा की वैल्यू एम बाई एल पुट कर देना। तो बेटा यहाँ एम बाई एल बाहर ले लो बेटा, जो कॉन्स्टेंट होता है ना वो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स बचेगा। अब सुनो बेटा
इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना पड़ता है। लिमिट मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करता है ना। आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहां से लेके कहां तक ऐड करना है। बेटा ध्यान से समझना इसको, मैं थोड़ा छोटा करूं। बच्चे इधर ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऐड करता है, तो इंटीग्रेशन ऐड करता है तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कहां से शुरू करना है कहां से खत्म। तो बेटा इस वाले कॉर्नर का, इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स बराबर जीरो है ना। इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स बराबर एल। बेटा ये टोटल लेंथ अगर एल है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू एल होगा कि नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिमिट लगेगी। हम बताएंगे इंटीग्रेशन को कि जोड़ना कहां से कहां तक है, जीरो से लेके एल तक। कहां से कहां तक जोड़ना है, जीरो से लेके एल तक। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप लोग को आता है एम बाई एल, तो बाहर ही रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जीरो से एल पुट कर दो, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे, माइनस लगाओगे नीचे वाली पुट करोगे, तो ये हो जाएगा एम बाई एल। ऊपर वाली वैल्यू पुट करो, एल क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो क्यूब बाई थ्री, वो तो जीरो ही हो गया। हाँ, तो यहां से बेटा आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर। सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो कुछ कुछ सेंटर ऑफ मास जैसा लग रहा है ना, इसलिए बोला एक बार सेंटर ऑफ मास पढ़ लो, बार बार लगेगा कि वहीं पर। सेंटर ऑफ मास में क्या होता था, एक्स होता था या एस स्क्वायर, यहाँ वहां भी एक्स डीएम होता था, यहां भी एक्स स्क्वायर डीएम, अंतर ही क्या है, बात तो वही है। आगे चले, एक और करना जरा, खुद से करना। वही रॉड, वही ले लिया मास एम, लेंथ एल। अब की बार उसको एकदम बीच से घुमा रहा हूं, किसे घुमा रहा हूं, बीच से। यानी यहां पे x इक्वल टू आप जीरो मान लेना बेटा, यहां x इक्वल टू जीरो मान लोगे तो यहां l बाई टू होगा, x इक्वल टू l बाई टू होगा, और इधर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस l बाई टू। प्रोसीजर अभी भी वही है, क्या करोगे, x इक्वल जो एक्सिस है उसे x डिस्टेंस पे जाके dx कट कर लो। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है बेटा। आई एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, करोगे, मैं करूंगी, करोगे, करोगे। करो बच्चे, करो। सब कुछ कॉपी पेस्ट, केवल क्या बदलेगा, लिमिट। वहां था जीरो से एल और यहां होगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, क्योंकि कोऑर्डिनेट डालते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट कितना था, माइनस एल बाई टू, और बेटा कहां तक करना था, प्लस एल बाई टू। देख रहे हो उत्सव, तुमने क्या छोड़ा है इलेवेंथ में, इलेवेंथ में क्या छोड़ा है तुमने, देख रहे हो। हाँ, कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें बताओ, सब कुछ सेम बच्चों, लिमिट बदल जाएगा। गलत है, और कोई चलो चलो चलो।
बताओ बिहार, करेक्ट, ML स्क्वायर बाई 12। आर्यन आ गया, रुद्र नहीं आया। देखो बच्चों, एक्स पे जाके डीएक्स का टा फॉर्मूला क्या है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, बात वही है, डीएम की वैल्यू फिर से वही हो जाएगी, एम बाई एल इंटू डीएक्स। बेटा पीछे से समझ में आ रहा है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं, एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा सब कुछ तो सेम है, बस यार लिमिट क्या चलेगी, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, क्यों, पूरा रॉड कवर करना है ना बेटा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट किससे स्टार्ट हो रहा है, माइनस एल बाई टू से, और यहाँ पे किससे जा रहा है, एल बाई टू तक, तो यहाँ लिमिट माइनस एल टू, तो सब कुछ सेम आएगा, एम बाई एल बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर डीएक्स पड़ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एल क्यूब बाई थ्री होगा, सॉरी एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, और यहाँ लिमिट क्या चलेगा, लिमिट चलेगा माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। आराम से बच्चों, गुस्सा नहीं बच्चों, थ्री थ्री बाहर ले सकते हैं आप, ये जो थ्री है ना कंफ्यूजन कर रहा है, इसको बाहर ले लो, क्योंकि इस दोनों में आएगा लास्ट में, बाहर लेना ही पड़ेगा, पहले ही बाहर ले लो, यहाँ कितना होगा, एल बाई एल क्यूब बाई एट, बेटा एल बाई टू डालोगे, एल बाई टू डालोगे, देखो थ्री मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, रुद्र क्या नाम है, हाँ रुद्र, थ्री बाहर ले लिया पहले मैंने, यहाँ लिख दिया, तो अंदर एक्स क्यूब बचा, अपर लिमिट डालूंगा एल क्यूब बाई टू क्यूब, टू क्यूब क्या होता है एट, माइनस लगा बेटा, माइनस एल बाई टू का होल क्यूब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये कितने का, माइनस एल बाई क्यूब, माइनस एल क्यूब बाई एट, और यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा, एक फॉर्मूले में माइनस था और एक माइनस आएगा भी, तो वैल्यू तो पुट माइनस एल बाई टू करना है ना, तो यहां से आंसर कितना आएगा, यहां से आंसर आएगा एम बाई थ्री एल, और ये आ गया एल क्यूब बाई एट, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल क्यूब बाई एट, अब क्या बताया जाए इसमें, तो ये हो जाएगा एम बाई थ्री एल, टू एल क्यूब बाई एट, तो बच्चों टू से कैंसिल कर देना, ये फोर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई, ये वाला याद रखना है, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो गए, एम एल स्क्वायर बाई 12। 2 मिनट का ब्रेक दे दूं, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग थक रहे हैं। आधे घंटे, लेकिन अब चीजें डिफिकल्ट होगी ना, फिर पागल हो जाओगे तुम लोग, 2 मिनट दे रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में पागल मत हो जाना। क्या हुआ रुद्र, क्या हुआ, बताओ 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 क्या हुआ, बोलो बोलो। अच्छा, कोई डाउट है तो बता देना मुझे बच्चों, किसी को कहीं भी इसमें डाउट होता है, ये टू ऐसे नहीं है, ये टू ऊपर वाले का है, अभी कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, ये माइनस एल बाई टू है, ठीक है बेटा, हैवी वेट, अरे इससे ज्यादा हैवी वेट तो सेंटर ऑफ मास था, हो गया बच्चों, बस एक छोटी सी बात, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिए, थोड़ा बाहर जाके घूम लेना, फिर आ जाना, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं, मैं टाइमर लगा के नहीं जाऊंगा, आर्यन टाइमर बंद कर देगा, मैं घड़ी में देख के, चले ठीक है बच्चों, जल्दी देखो जल्दी, हो गया ना, इधर देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था कि रॉड को बीच से घुमाना आसान है, किनारे से घुमाना मुश्किल है, तो देखो जब किनारे से घुमा रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया था, जब आप रॉड को यहां से घुमा रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था एम एल स्क्वायर बाई थ्री आया था ना, और जब आप रॉड को बीच से घुमा रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम एल स्क्वायर बाई 12, खुद देखो कौन बड़ा है, ऊपर वाला, तो यहां से घुमाना डिफिकल्ट,
और यहां से घुमाना आसान है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम। 5 मिनट का ब्रेक, बाहर घूम लो, गेट खुलो और उसे उधर उसके जाओ बेटा, जाओ जाओ बाहर घूम लो आप लोग, जाओ उधर उधर जाओ, जाओ बाहर। 5 मिनट का ब्रेक है बच्चों, 5 मिनट का ब्रेक है बेटा मेरा। एक दो कौन रह गया? वो कहाँ चली? नहीं अच्छा, अब तुमको बुलाने के लिए फिर किसी और को भेजेंगे? देखो अब मैं सबका ड्राइवेशन नहीं करा रहा, ठीक है ना, लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास की तरह ड्राइवेशन करना है, ठीक है ना? नहीं करवाई थी ना, नहीं करवाई थी ड्राइवेशन? एक क्या कि कैसे सेंटर ऑफ मास निकलता है? M1R1 + M2R2 अपॉन M1 + M2। अब क्या बचा, अब क्या बचा किस चीज की? मैं वही तो पूछ रहा हूं, बार सेंटर ऑफ मास में किस चीज के फॉर्मूला? RCM का मैंने कराया ही है, तो मैंने भी तो डायग्राम बनाया था ना, पोजीशन वेक्टर वाला। अब दिखा देना मुझे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया मुझे दिखा देना, मैं बता। बहुत बढ़िया। ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी देखा माइक काम नहीं कर रहा था, तो आज की रिकॉर्डिंग में वॉइस डिस्टर्ब हो सकती है। मैंने अभी नोटिस किया था कि माइक काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, तो बताया नहीं उसने, मेहर ने ऑनलाइन मेहर थी, उसने बताया नहीं मुझे, मैसेज या कॉल कर देना चाहिए था वो। मेयर का मैसेज तो नहीं है मेरे पास। इधर देखो, ध्यान दो बच्चों, पहला लिखो, पहला रिंग, बच्चों इसको जब सेंटर वाले एक्सिस से घुमाया जाएगा, इसको मैं आई बोल रहा हूं, ICM, सेंटर वाले एक्सिस से घुमाया जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है MR2, ठीक है? वैसे मैं ये बता दूंगा नीचे वाला कैसे आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसको किसी डायगोनल एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना, बताया था ना डायगोनल एक्सिस मतलब ये घुमाने वाला है, सॉरी डायमीटर एक्सिस, अगर डायमीटर एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा तो आएगा MR2/2। कैसे आएगा मैं बता भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप पहले याद कीजिए इसको, MR2/2, ये याद ही होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए सब। दूसरा बच्चों, डिस्क है, उसका मास एम, रेडियस आर है, उसको सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आता है MR2/2, MR2/2, ठीक है ना? दूसरा, इसी को जब डायमीटर वाले एक्सिस से घुमाया जाएगा, डायमीटर वाले एक्सिस से घुमाया जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आएगा MR2/2, मतलब हाफ हो जाता है सेंटर वाले, ठीक है? बच्चे एक बार बताओ, सेंटर से घुमाना रिंग को आसान है या डिस्क को? अगर सेम मास और सेम रेडियस हो,
अगर सेम मास और सेम रेडियस हो, एक रिंग है और एक डिस्क है, किसको घुमाना आसान है? डिस्क। तुमने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया, रिंग को ऐसे टेबल पे घुमाओ और प्लेट को टेबल पे घुमाओ, तो प्लेट ज्यादा अच्छा घूमता है रिंग से, ठीक है ना? प्लेट को घुमा कर टेबल पे देखो, डाइनिंग टेबल पे, वो ज्यादा अच्छा घूमता है। फिजिक्स पढ़ने का ये सब डिसएडवांटेज है, आप चीजों को घुमा घुमा कर चेक करते रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा है या कम, ठीक है? देखो तीसरा बच्चे, ठीक है ना? ये तीसरा रॉड का, रॉड का मैंने बता दिया ना दोनों। रॉड का जब बीच से घुमाते हैं, ये तो डिराइव भी करा दिया था, बीच से घुमाते हैं तो कितना होता है ML² / 12, ये याद होना चाहिए। अगर इसी को साइड से घुमाएं, साइड से घुमाएं तो कितना होगा ML² / 3। किसी के दिमाग में ऐसा निंजा आ रहा होगा आइडिया कि ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे भी तो घुमा सकता हूं ना, मतलब कैसे घुमाना चाह रहा है कोई? इस तरीके से ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, क्योंकि तो सारा का सारा मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विल बी जीरो किसी भी पार्टिकल को, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं करना है, कॉमन सेंस पर बता रहा हूं कि जीरो हो जाएगा। तीसरा बच्चों, चौथा सॉरी, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वाह, MR है इसका आंसर होता है, इसका होता है 2/3 MR। इसको नहीं, ठीक है ना? इसमें एक ही केस बनेगा क्योंकि तो हर तरफ से डायमीटर ही होगा, सिमेट्रिक है ना हर तरह से। दूसरा बच्चों, सॉलिड स्फेयर, हॉल स्फेयर, ये इधर है ना घुमाने से, इधर उधर रुद्र उठाना है बॉल, दोनों उठाना आराम से, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गदा नहीं का तुम्हें मजा आ, कोई बात नहीं, आराम से रुका, आराम से, अगली बार पीहू उठा के देगी फिर। देखो इधर ध्यान से, ध्यान से बताओ कैसे घुमाने का, ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, बात तो एक ही है। अरे सिमेट्रिक है ना ये, ऐसे घुमाओ तुम, ऐसे घुमाओ तुम, बात तो एक ही है बच्चों, समझ आ रहा बात? इसीलिए इसमें दूसरा केस नहीं करा मैंने, पता चला ना बच्चों? एक्सिस ऐसे रख लो या एक्सिस ऐसे, इसके लिए तो सिमेट्रिक है ना सिचुएशन, सारी सिचुएशन सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए नहीं बताया। अगला लिख लो सॉलिड M, R कितना आएगा, 2/5 MR² 2/5, ठीक है ना? देखते हैं, देखते बस, सुने दे ध्यान से। देखो अगर दो, ए ध्यान दो उधर बच्चों, अगर एक हॉलो स्फेयर है और एक सॉलिड स्फेयर है, दोनों का मास और रेडियस सेम है, तो किसको घुमाना आसान? सॉलिड को, तो देखो बॉल अच्छा स्पिन होता है, अब इसको थोड़ा सा कठिनाई होगा, कंट्रोल खो जाएगा, लेकिन इसको घुमाने में, तो जब हालांकि पूरी तरह से सॉलिड नहीं, इसके अंदर अभी एयर है, लेकिन अगर सॉलिड और अच्छा हो जाएगा तो और अच्छा घूमेगा, और ये देखो इसको प्रॉब्लम हो रहा है घुमाने में, ठीक है ना? चलो अच्छा याद लाया आर्यन ने, रेक्टेंगल का भी बता दूंगा, रेक्टेंगल का भी बता दूंगा, ठीक है बच्चे याद रखना ये। इसके छठा, अगर सिलेंडर है, सिलेंडर है तो बच्चे सिलेंडर कैसे घुमाएंगे, ऐसे वाला ऐसे जाएगा, ऐसे घूम रहा है,
इसका मास m रेडियस r है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना, अगर ये सॉलिड है तो डिस्क के बराबर, और अगर ये हॉलो है तो रिंग के बराबर। सॉलिड है तो डिस्क के बराबर और हॉलो है तो रिंग के बराबर। अरे बात समझ रहे हो ना? बताओ, अगर किसी चीज को, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर हो और हॉलो सिलेंडर, तो कौन अच्छा रोल करेगा? जिसका जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किसका है? सॉलिड का, तो वो अच्छा रोल करेगा। तो अरे सेंटर से घुमा रहा हूं भाई, इधर साइड से देखोगे तो ये डिस्क ही तो दिखेगा। दो हाँ बेटा, डिस्क का क्या होगा, ये लिख लो, ये बात करो तुम लोग बस। एम आर स्क्वायर बाई टू, इसका कितना होगा एम आर स्क्वायर, अगर कंफ्यूजन में तो। अब बोलो कोई कोई और दिमाग लगाओ, सर अगर ऐसे घुमा दिया फिर क्या हो? है अरे अगर बीच से घुमा दिया तब क्या होगा? गधे बच्चों, बीच से घुमा दिया तो क्या होगा? ये रॉड के बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तब इसका लेंथ अगर एल है तो इसका कितना हो जाएगा एम एल, कॉमन सेंस थोड़ा थोड़ा चला ना, एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर बीच से घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीच से घुमा दिया, ये लेंथ एल है तो एम एल स्क्वायर बाई 12। बहुत बढ़िया, बहुत। चलो बता, अगर सिलेंडर को ऐसे साइड से घुमा दिया फिर कितना होगा? ऐसे एम एल स्क्वायर बाई 3। गधे, ठीक है ना, मैं पूरा घुमा दूं क्या, हाथ तोड़ दूं अपना? ठीक है ना, मिल गई, दिखा देना क्लास कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर था? मुझे पता नहीं, नंबर देख लेना आप। रेक्टेंगल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बता रहा हूं, उसमें एल इक्वल टू बी रख देना, स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए रेक्टेंगल बता रहा हूं। सेंटर के अबाउट इसके, ये साइड ए है और ये साइड बी है, ठीक है, एल रख लो, तुम्हारी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है उससे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे घुमा रहे हैं? आर्यन बताओ कैसे घुमा रहे हैं, घुमा के दिखाओ नोटबुक, घुमा। गधा कहेगा कब से क्लास में घुमा रहा था तुम, ठीक है। बच्चों इसका क्या बार लिखना, एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा फिर m/6 एम बाई सिक्स स्क्वायर होगा, तो एम बाई 6 ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को अगर ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट करो फिर क्या होगा, ये b है ना, ये लेंथ कितना है b है ना, तो होगा एम बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई 12। अगर इसी को ऐसे रोटेट कर दो, लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक, ऐसे रोटेट कर दो एम ए स्क्वायर बाई 12, रुक जाओ सोच लो स्टैंडर्ड कुछ। अरे यार मुझे सोचने दो एक मिनट, स्टैंडर्ड कुछ बता तुम, ठीक है। चलो ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स है, इनको याद रखना।
अगर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से याद नहीं हो ना, स्पेशली तुम दोनों, 2.5 मिनट चेयर बनाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों जाओ, लेकिन याद होना चाहिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, याद होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास इतना रहा। इट्स नॉट सेक्रेट।